गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो बेटा मैंने आपको आज जो पढ़ाने जाऊंगा, मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगा। सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश जो आपने लेजर में कैश अकाउंट सीखा था बिल्कुल सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक तरफ पैसा आता है एक तरफ पैसा जाता है, यानी कि कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में और कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड में। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है और इसमें इसका बेस है क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है दिखता है टू कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट सिंगल कॉलम कैश बुक अगर नहीं आती है तो टू कॉलम कैश बुक भी आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ टीएस ग्रेवाल। सिंगल कॉलम कैश बुक टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर फोर 2023 एडिशन है, इसी को आप देख सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि यार बहुत टफ है, कैसे करेंगे, कैसे इसकी पोस्टिंग करेंगे। लोग ना जल एंट्री करते हैं दिमाग में और इसकी पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। पोस्टिंग नहीं करनी है, सोचना नहीं है, एक तरफ पैसा आ रहा है एक तरफ पैसा जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ये वाली साइड में आएगा रिसीप्ट और ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा पेमेंट। पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट में दिखाओ और पैसा जा रहा है तो कहाँ दिखाएंगे पेमेंट। तो दो रूल्स के ध्यान रखना है कि भैया लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आएगा, इस मीन कैश बुक बना रहे हैं तो अंदर कैश कहीं नहीं आएगा, अंदर ना तो कैश यहां आएगा और ना ही कैश यहां आएगा, हमें कैश नहीं दिखाना, दोनों जगह कैश नहीं लिखेंगे पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। अब रूल क्या कहता है कि भैया एक रूल तो ये है कि हम कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नहीं करेंगे, क्रेडिट परचेज हो चाहे क्रेडिट सेल हो, ना तो क्रेडिट परचेज आएगी ना क्रेडिट सेल। दूसरा, अगर हमने चेक से चेक रिसीव किया है या चेक से हमने पेमेंट किया है, यह भी यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चेक आ रहा है या चेक से पेमेंट कर रहे हैं यह नहीं आएगा, उधार खरीद रहे हैं उधार बेच रहे हैं यह भी नहीं आएगा। तीसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या accrued इनकम ये नहीं आएंगी, बाकी सभी चीजें यहां आएंगी। पैसा आ रहा है रिसीट में दिखाओ, पैसा जा रहा है पेमेंट में दिखाओ, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगी। ओनली कैश ट्रांजेक्शन कैश एंट्री रिकॉर्डेड, केवल कैश जो एंट्री है उनको हम क्या करेंगे रिकॉर्डेड करेंगे, बाकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो ज्यादा सोचना नहीं। एक बार और फिर समझाता हूँ, क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं होगी, ठीक है, चेक रिसीव हो रहे हैं चेक से पेमेंट कर रहे हैं वो एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। तीसरा रूल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एक्रूड इनकम एंट्री नहीं करेंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल है, केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। और हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट मैं इसमें क्वेश्चन में डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं और इसको समझते हैं। तो पहली एंट्री देखें क्या है, कह रहा है, कह रहा है कैश इन हैंड अप्रैल 2023 सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश चंद, सुरेश चंद की बुक्स में लिखना है। यह जो एंट्री है हमारी वो किसकी बुक्स में है, सुरेश चंद की बुक्स में है और सबसे पहले दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 को, तो यहां आ जाएगा 1/4/2023 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट का है 6400,
समझ में आ गया होगा, कैश इन हैंड है इसलिए बैलेंस है, अगर बिजनेस स्टार्ट करते तो टू कैपिटल आ जाता, स्टार्ट करते तो क्या आता टू कैपिटल, और अगर बैलेंस दिया हुआ है तो क्या जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आता है कह रहा रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से आपको कैश मिला तो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कैश तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे अनुपमा। तो पैसा 1-3 अप्रैल की एंट्री करेंगे तो 3-4-2023 टू अनुपमा कितने का अमाउंट आ रहा है 1,00,000 रुपए का। चलिए समझ में आ गए या दोबारा समझाऊं, आ गया। नेक्स्ट देखें पेड इनटू बैंक, अब आपने बैंक में जमा किया पैसा जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट, ध्यान रखना कैश नहीं आएगा बाकी सब आएगा यहां पे। अप्रैल 4 कितने जमा किए हमने बैंक में 80,000 रुपए, समझ में आ गया यहां तक। चलिए और कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं यहां दिखा दूंगा आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसने कहा रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, तो हमें भूमिका से 5 अप्रैल को कमीशन मिला, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या लिखेंगे टू कमीशन। भूमिका नहीं लिखना, भूमिका से मिल रहा है लेकिन किस लिए मिल रहा है कमीशन, तो इनकम किस चीज की हुई हमारी कमीशन की, भूमिका लिखोगे तो गलत हो जाएगा ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 अप्रैल अमाउंट कितनी है 6,000। नेक्स्ट देखें उसके बाद पेड वेजेस, पेड कर रहे हैं पैसा जा रहा है आ रहा है, जा रहा है तो अप्रैल 6 बाय वेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है 30,000 का। सबको समझ में आ रहा है यहां तक, गुड। उसके बाद कह रहा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 30,000 अप्रैल 7। फिर इसके बाद परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, अशोक से कोई लेन देन नहीं है क्योंकि हमने कैश में खरीदा है 10,000 रुपए का, तो यहां पे क्या आएगा बाय परचेज अकाउंट 10,000 और डेट क्या है 8 अप्रैल। नेक्स्ट देखें कैश सेल्स, हमने सामान बेचा है कैश में पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट क्या है 9 अप्रैल। उसके बाद यहां पे देखें आगे बढ़ते हैं ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो हमारे यहां से पैसा जा रहा है आ रहा है, जा रहा है क्योंकि पेमेंट हो रहा है हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला है अप्रैल 11 तो 11-4-2023 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना। चलिए नेक्स्ट देखें इसके बाद है परचेज फर्नीचर 12 अप्रैल 12-4-2023 यहां पे क्या लिखेंगे परचेज या फर्नीचर, वेल डन। परचेज सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, कितने का परचेज किया है 4,000। नेक्स्ट बताओ पे टू रूमा, तो रूमा को पेमेंट किया है, डेट क्या है 13-4 अमाउंट। चलिए यहां तक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, हमने ऑफिस फैन के लिए गांगुली ब्रदर्स को पे किया तो यहां पे क्या आ गया गांगुली ब्रदर्स या फैन, ऑफिस फैन, वेल डन।
क्योंकि एसेट्स परचेज कर रहे हैं, गांगुली ब्रदर्स से हमें कोई मतलब नहीं है टू बाय फैन अकाउंट, चाहे तो उसको मशीनरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। फैन अकाउंट ये सब हमारे वो आ गए, फैन एसी सब मशीनरी में भी डाल सकते हो आप इसे। और तारीख क्या है 14, अगर आप फैन का अकाउंट बनाना चाहें तो फैन भी बना सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। अगर कोई फैन भी लिखता है वो भी सही है, और भाई मशीनरी लिख सकता है तो वो भी सही माना जाएगा। कितना अमाउंट आएगा 1500 रुपए का। नेक्स्ट, पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस कैश। हमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दी, हमारी लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है ड्रॉइंग्स, क्या होती है हमारी ड्रॉइंग्स, तो यहां पे क्या आएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। यानी कि एलआईसी जो पे की है वो ड्रॉइंग्स में आएगी। तारीख क्या है 15, और अमाउंट कितनी है 800 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, परचेज स्टेशनरी, ये भी पेमेंट कर रहे हैं 16/4/2023 बाय स्टेशनरी 1000। नेक्स्ट देखें, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं अकाउंट लिख दो 500। डेट क्या है 17। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सी तारीख को है 19 बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना है 100 रुपीज। नेक्स्ट देखें, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, तो हमें पैसा आ रहा है टू इंटरेस्ट, डेट क्या है 20 अप्रैल, कितने अमाउंट है 500। चलिए नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस मिनिमम कैश बैलेंस 2000। बस इस क्वेश्चन में यही वाली लाइन थी, इसने कहा कि 2000 से ऊपर का जितना भी बैलेंस है हमें बैंक में जमा करना है। तो पहले आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है। यहां का टोटल करो कितना आएगा 1,52,900। इसका टोटल करो कितना आएगा 1,39,100। अब इसने हमें कहा कि जितना भी एक्सेस कैश है वो बैंक में जमा करना है, और हमें बैलेंस कितना छोड़ना है, हमें बैलेंस छोड़ना है 2000। टोटल तो यही रहेगा, देखें इसने कहा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना छोड़ना है हमें 2000। अब आप समझें मेरे पास रिसीव कितना था 1,52,900, और मेरा खर्चा कितना हुआ 1,39,100। तो अमाउंट कितनी बची हमारे पास 13,800, और इसमें से हमने कितना बैलेंस छोड़ना है अपने पास 2000 का बैलेंस छोड़ना है, और जो एक्सेस है वो कितना आ रहा है 11,800। क्या आ रहा है हमारा एक्सेस अमाउंट,
और ये हमें कहाँ डिपॉजिट करना है, ये डिपॉजिट करना है हमें बैंक में। कितना अमाउंट आ रहा है बैंक में, 11,800। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट जो हमने डिपॉजिट करना है 11,800। समझ में आ गया सबको, 30/4/2023, और ये भी आ जाएगा 30/4/2023, और ये 1 मई 1/5/2023 को ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, क्योंकि अब तो 2000 ही बचा ना हमारे पास, बाकी एक्सिस कैश तो बैंक में जमा हो गया। दोबारा समझा देता हूँ, बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। हमारा जो रिसीव था कितना था, 1,52,900, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने पेमेंट कितना किया, ये जो हमारे पास था टोटल पेमेंट कितना था, 139,100 का हमने पेमेंट कर चुके थे। तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना बचा, 13,800, जिसमें से 2000 का बैलेंस हमें रोकना है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ जमा करना है, बैंक में। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया हमारा, 11,800 हमने कहाँ कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो बताओ, तो बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछना। और इसके बाद जो मैं क्लास लूंगा आपको, टू कॉलम कैश बुक की लूंगा। टू कॉलम कैश बुक में हमारे कैश कॉलम और बैंक के कॉलम भी आएंगे, और इसके 3-4 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।